नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक और आज हमें पटना के गांधी मैदान से, जहां दो दिन पहले पीएम मोदी का रैली हुआ था, तो आइए जानते हैं यहां के बैठे हुए जनता से इस रैली के बारे में। किसकी सरकार? 2019 मोदी बीजेपी फिनिश। ये जो घोषणा चल रहा है ना मोदी जी का, जुमलेबाजी कुछ चलना नहीं है। भले युवा बुड़बक है, लेकिन इतना बुड़बक नहीं है, समझे? यहाँ नौकरी चाहिए, ये बोलते हैं पकौड़ा पे छो। यहाँ पे संकल्प भी करते हैं, देखिए भगवान भी, इंद्र भगवान भी उनको धोखा दे दिए, वहाँ बारिश हो गई, एकदम फाका था, कोई था यहाँ पे? मोदी सरकार की। मोदी सरकार, हाँ मोदी। राहुल की बहुत पीछे चल गए हैं, मोदी का भी विकास बहुत आगे है। अच्छा। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी युवा है, बढ़िया है, उनको में प्रधानमंत्री का क्षमता है। मोदी जी की सरकार चाहिए, जो कुछ अच्छा लग रहा है और बहुत प्रगति की मार्ग जो खुली है, वो लगता है कि मोदी जी के आने से कुछ सुधरा है समाज। राहुल गांधी में हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी रोड पे, तो इसमें आदमी नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ था राहुल गांधी में। अच्छा। बिहार के मामले से तो बहुत बोलते, गाँव में तो किस सबके नहीं, कुछ नहीं किया मोदी सरकार, कुछ नहीं किया, मगर शहर के मामले में दिखने से लग रहा है कि बहुत कुछ किए हैं। गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम ला रही है, क्या क्या प्लान ला रही है, क्या क्या कर रही है देश के लिए? 70 साल आप लोगों ने राज किया, 70 साल राज करके हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं उनके ऊपर राजनीति किया आप लोगों ने राजनीति किया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। साल में 70 जनरेशन कांग्रेस में थी, इसमें 3 पार्टी मिला के होता मेन उठा पाई, तो एक ही उठा लिए। इसमें 3 दल का था ना भाई, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और हाँ गठबंधन का था। उतना भीड़ नहीं हुआ जितना अकेले कांग्रेस से जुटा लिया भीड़। 70 साल में इंडिया में कोई ऐसा गवर्नमेंट हुआ जो पाकिस्तान को घुस के मारा, ठीक है? 1972 इंडियन पाकिस्तान वार में 93 इंडियन प्रिजनर आज तक कैद है, और इंदिरा गांधी 51 पाकिस्तान कैदी को बाइज्जत रिहा कर दी उस समय। आज भी कांग्रेस, आज हमारा अभिनंदन 2 दिन के अंदर वापस आता है, वही सही सलामत। राहुल गांधी के भी, चाहे सोनिया गांधी भी, बहुत कुछ किए हैं, 40-50 साल राज किए हैं, तो बढ़िया, आखिर जनता बढ़िया था तब तो किए थे, अगर खराब रहते तो 60 साल तो राज नहीं करते। तो राहुल गांधी भी बहुत बढ़िया है। आपको लगता है ये भारत का लोकतंत्र को जिंदा नहीं कर रहे हैं, बाकी ये धीरे धीरे लोकतंत्र को खाया जा रहा है, लेकिन जो गलतियां बीजेपी कर रही है वो दूसरी पार्टी ना करे, फीलिंग नहीं पैदा करे, लोगों में फीलिंग नहीं आना चाहिए और हमदर्दी होना चाहिए। यहाँ में देखिए, मुसलमान है चाहे हिंदू है, मर के यहीं जाना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, या सिख हो या ईसाई हो। मेरा मानना यह है कि देखिए, कोई भी पार्टी हो, जाति को ऊपर रखकर देश को चलाना बेवकूफ़ी होगा, ठीक है? अगर सरकार की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है और पूरे भारत की बात हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको स्थिर सरकार चाहिए और ईमानदार सरकार चाहिए बिल्कुल। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आखिर कांग्रेस और यूपीए क्यों सरकार रहित हो गई? इसलिए रही क्योंकि उनका बहुत सारा है ना घोटाला सामने आया, जनता ने नकार दिया मोदी सरकार के। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि मोदी सरकार बहुत कुछ इस साल में किए हैं, इसीलिए 2019 में राहुल गांधी की सरकार हो। तो देखा आपने, यहाँ के बैठे हुए जनता से 2 दिन पहले जो रैली हुई थी उसके बारे में जनता की क्या राय है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।